साथ और भी कोई काम है, हम उनमें लगे हैं और आपकी भी कार्रवाई चल रही है। तो ये इतने हीनियस ऑफेंस में एक महिला की पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई है जी, उसमें आपका ये तमाम जो बातचीत है वो कितनी उचित है, आप खुद बताइए। नहीं तो सर, एविडेंस उपलब्ध पूरी होने के बाद में ही तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना एविडेंस पूरी उपलब्ध हुए मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूं, और कल को मुझे ये पता लगता है क्योंकि इन्होंने अपने बयानों में यह कहा था कि मैंने उसको देखा नहीं है, पीठ देखी थी, उसने काली जैकेट पहन रखी है। तो जब वो ये उसको पहचानती नहीं है कि ये तो दूसरों के कहने पे कह रही है, तो मैं इधर उधर से घटनास्थल के आसपास से एविडेंस इकट्ठी करने के बाद में उसके खिलाफ विधि समाप्त मामले में। सर मैंने उसमें घटनास्थल की कार्रवाई कर ली है, नक्शा बना दिया, बयान ले लिए, दो गवाहों का बयान ले लिए, पीड़िता का बयान ले लिए। पीड़िता ने अपने बयानों में यह बताया था कि मेरे पास में वीडियो क्लिप है और उसकी मैं सीडी बनवा के दे दूंगी। तो मैंने उनको यह कहा था कि या तो मैं लेने आ जाऊंगा या बन जाए तो आप बता देना। तो उन्होंने एक दो दिन फोन भी किया, तो मैंने यह कहा था मैंने भाई मैं इसमें बयान के लिए डायरी भेज रहा हूँ और बयान करा दूंगा, आप मुझे सीडी उपलब्ध करा दो। आयु साहब अगर सीडी नहीं होती है पीड़ित पे तो क्या होता है? नहीं तो विधि सम्मत कार्रवाई जो कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं आपको निवेदन करूँ कि आपने